नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। समाज सेवी अन्ना हजारे ने कृषि कानूनों के खिलाफ अपना प्रस्तावित अनशन अब नहीं करने का फैसला किया है। अन्ना हजारे ने खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में इसका ऐलान किया है। यही नहीं, अन्ना ने किसानों के हित में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का समर्थन भी किया है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ अन्ना हजारे आज से अनिश्चितकालीन अनशन करने वाले थे। इससे पहले अन्ना ने कहा था कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ वो महाराष्ट्र के अपने गांव रालेगंज सिद्धी में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। अन्ना हजारे के इस ऐलान के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के परिणाम सकारात्मक रहे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री की तरफ से दिए गए प्रस्ताव के बाद अन्ना हजारे मान गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि अन्ना हजारे की कई मांगों को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अन्ना हजारे के पत्रों का जवाब भी दिया है। उनके मुताबिक कृषि बजट में बढ़ोतरी भी की गई है। जो बजट पहले 23,000 करोड़ का हुआ करता था, अब की बार सरकार ने उसे बढ़ाकर 1,35,000 करोड़ रुपए का कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 15 मांगों पर उच्च स्तरीय कमेटी ने अभी तक सकारात्मक कदम नहीं उठाए, इसी वजह से अन्ना हजारे ने अनशन की बात कही थी। अब इस मामले में एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित कर दी गई है। उस लिस्ट में अन्ना हजारे का भी नाम शामिल है। इस कमेटी को 6 महीने का समय दिया गया है। पहले चुनाव और फिर कोरोना महामारी के चलते अन्ना हजारे की मांगों पर विचार नहीं हो सका था, लेकिन अब इसमें देरी नहीं होगी। आपको बता दें, इससे पहले अपने एक बयान में अन्ना हजारे ने घोषणा की थी कि वो 30 जनवरी को महाराष्ट्र के अपने गांव रालेगंज सिद्धी में भूख हड़ताल शुरू करेंगे। हजारे ने कहा था कि उन्होंने किसानों की दुर्दशा पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को 5 बार पत्र लिखा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद शुक्रवार को देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद अन्ना हजारे ने कहा, केंद्र सरकार ने मेरी कुछ मांगों पर सहमति जताई है और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समिति का गठन करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मैंने शनिवार से शुरू हो रहे अपने प्रस्तावित अनिश्चितकालीन अनशन को स्थगित करने का फैसला किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।